और कोतवाली में एक पति अपनी पत्नी से इतना परेशान हो गया कि मदद के लिए उसे पुलिस से शिकायत करनी पड़ी। दरअसल व्यक्ति दनकौर एरिया के एक कॉलोनी में रहता है। 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी। इसका आरोप है कि पिछले कई महीनों से इसकी पत्नी उसे लगातार दहेज उत्पीड़न में जेल भिजवाने की धमकी देकर घरेलू काम करा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पति रोते रोते थाने पहुंचा। उसने पुलिस से गुहार लगाई कि मेरी बीवी मुझसे घर का काम कराती है, कपड़े धुलाती है, खाना बनवाती है और पोछा भी लगवाती है। इससे मना करने पर वो दहेज उत्पीड़न के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देती है। इससे तंग आकर मैंने नौकरी भी छोड़ी, मगर वो लगातार परेशान कर रही है। जब इस बारे में उसके मायके में शिकायत की गई तो वो और ज्यादा परेशान करने लगी है। पहले तो खाना बनाने के साथ कपड़े ही धुलवाती थी, मगर शिकायत करने के बाद से वो घर में पोछा भी लगवाती है। इसके कारण वो नोएडा के जिस कंपनी में काम करता था वहाँ रोजाना लेट पहुँचता था, इसीलिए नौकरी भी छोड़नी पड़ गई। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि ये पति पत्नी का घरेलू विवाद है, इसे परिवार परामर्श केंद्र की मदद से सुलझाया जाएगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।